आज फिर एक बार मुलाकात होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आला क्यादत की। हुकूमत बनाने के लिए अहम मुलाकात होगी। गुज़िश्ता रोज होने वाली मुलाकात में क्या बातें तय हुई थी, पीपल्स पार्टी ने क्या डिमांड्स रखी थी, और साथ साथ आपको बताएंगे कि आजाद उम्मीदवार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कितने जो नशिस्तें हासिल करने में ये कामयाब हुए हैं, और साथ साथ आपको यह बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से अहम इजलास हुआ है, अगला वजीर आजम जो है वो कौन होगा और क्या इजलास में जो है वो बातचीत की गई है। और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि काफ लीग रजामंद हो चुकी है मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत बनाने में। तो ये अहम खबरें मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज के इस व्लॉग में। मेरा नाम ज़ीशान रजा है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वीडियोस देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकालते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं। मेरी भी कोशिश होती है कि मैं अहम खबरें आप तक पहुंचाऊं और जो तस्दीकशुदा खबरें हों और जो हमारे ज़राए जिसे कंफर्म करें। अभी सूरत हाल यह है कि जो ज़राए हैं वो हमारे ये कहते हैं कि जी गुज़िश्ता रोज जो मुलाकात हुई थी, अहम मुलाकात थी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उस मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी शामिल थे। और मियाँ शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म जो है इनसे मुलाकात हुई, मियाँ नवाज शरीफ जो है उनका उन्होंने पैगाम दिया, वहां पे अहम मामलात पर गौर किया गया और हुकूमत साजी के हवाले से बातचीत की गई। इसमें हुआ कुछ ये कि मुलाकात के आगाज में ही साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है उन्होंने वजारत उज़्मा का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी बनेंगे। इस पर बात हुई जिस पर जो है वो बातचीत की गई। सुबह अगर हम बात करें पंजाब के हुकूमत साजी और वफाक की हुकूमत साजी के हवाले से बातचीत हुई, अहम जो है वो तबादला ख्याल किया गया मामलात पर। तो मियाँ शहबाज शरीफ जो है उन्होंने वक्त मांगा था और उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ जो है उनसे बातचीत की जाएगी और पार्टी का जो फैसला होगा उस पर फिर आज दोबारा एक बार फिर आज, क्योंकि कल गुज़िश्ता रोज जुम्मे की रात को ये मुलाकात हुई थी और आज एक बार फिर मुलाकात होने जा रही है। और आज जो मुलाकात होगी उसमें काफ लीग के साथ भी मुलाकात होने जा रही है। काफ लीग में चौधरी शुजात हुसैन जो हैं, क्योंकि उनके ताल्लुकात पहले भी पीपल्स पार्टी के साथ भी अच्छे हैं और मुस्लिम लीग नून के साथ भी अच्छे हैं, तो आज जो मुलाकात है उसमें जो हमारे जरा है वो कन्फर्म ये करते हैं कि जो काफ लीग है वो रजामंद हो चुकी है मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत बनाने में, हुकूमत के साथ चलने में। हालांकि इनका सीट एडजस्टमेंट इनकी नहीं हो सकी थी आपस में, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं जी कि हम मुस्लिम लीग नून के साथ है, हुकूमत बनाने में हम मुकम्मल तआवुन करेंगे। और आज मुलाकात भी चौधरी शुजात हुसैन से जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ मुलाकात करने जा रहे हैं, मुलाकात होगी और उनके हमराह जो है मरियम नवाज साहबा भी होंगी। तो अब सूरत हाल ये है कि जो सबसे अहम मुलाकात है वो एक बार फिर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का की आला क्यादत और मुस्लिम लीग नून की आला क्यादत के दौरान होने जा रही है। आज फैसला होगा, इत्तफाक होगा, क्योंकि इस बात पर तो इत्तफाक हो गया कि हुकूमत मिलकर चलाएंगे बनाएंगे। लेकिन अभी देखना यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वजारत उज़्मा का जो मुतालबा किया गया पीपल्स पार्टी का की जानिब से जो मुतालबा किया गया है, इसको मुस्लिम लीग नून मानती है, तस्लीम करती है या नहीं करती, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी अभी अभी कुछ देर कबल जो है वो इजलास खत्म हुआ है और ये अहम इजलास हुआ जिसमें दो नाम सामने आए वजीर आला और वजीर आजम के लिए। तो ये दो नाम कौन से हैं कि वजीर आला पंजाब के लिए नाम जो है मरियम नवाज साहबा का आया है सामने, के जो पार्टी का वफद है बैठ जो इजलास में जो मामला तय हुए हैं जो इस पर गौर किया गया है, क्योंकि आखिरी फैसला तो जो है वो शरीफ बरादरान जो है उनकी जानिब से होगा, लेकिन पार्टी के जानिब से वजारत उज़्मा के लिए मियाँ शहबाज शरीफ जो है उनका नाम आया है सामने और वज़ीरे आला पंजाब के लिए मरियम नवाज साहबा जो है उनका नाम सामने आया है। ये दो नाम सामने आए हैं, अब मुलाकात होगी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है उनसे होगी मुलाकात। तो इस मुलाकात में तय होगा कि कौन वजीर आजम बनेगा, अगला वजीर आजम कौन होगा। दो ही नाम है वजीर आजम के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी है और मियाँ शहबाज शरीफ है। तो ये दो नाम है जो इन दोनों में से ही कोई, क्योंकि अभी इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए आपस में मुलाकातों का जो सिलसिला है वो भी जारी है। और आज एमकेएम के वफद के साथ भी मुस्लिम लीग नून का जो वफद है वो मुलाकात करेगा
और साथ चलने के लिए, इत्तेहाद के साथ हुकूमत बनाने के लिए मामलात जो है वो तय किए जाएंगे, और पीपल्स पार्टी के साथ भी आज मुलाकात होने वाली है। और कुछ यहां मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूं कि ऐसे आजाद सूबाई असेंबलियों के उम्मीदवार हैं जो कि मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले हैं। इस पर एक अलग सी वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो जरा तवील हो जाएगी, तो वो अलग कुछ नाम मैं आपके सामने लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा वो कौन से आजाद उम्मीदवार हैं सूबाई असेंबलियों में जो अभी अभी कामयाब हुए हैं आजाद उम्मीदवार, और वो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने वाले हैं। अहम ब्रेकिंग न्यूज है, मैं आपसे कुछ देर बाद ये वीडियो बना के इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अहम खबर, मेरी भी कोशिश होती है कि आप अगर मेरी वीडियोस देखें तो आप कुछ, आपको जो मालूमात है वो मिले, असल जो खबरें हैं वो आपके सामने आए। और साथ आपको ये बताऊं कि आजाद अगर बात करें या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के नशिस्तों के हवाले से, तो आजाद अभी तक जो 92 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं जो आजाद उम्मीदवार लेने में कामयाब हुए हैं, इसी तरह जो है वो 79 सीटें मुस्लिम लीग नून ले ली हैं, और अगर हम बात करें यहाँ पे पीपल्स पार्टी की तो 54 सीटें पीपल्स पार्टी लेने में कामयाब हुई है। और अब फैसला ये होगा कि जाहिर सी बात है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आला क्यादत की मुलाकातों का सिलसिला जारी है, और ये जो अहम मुलाकातें हैं वो कल गुज़िश्ता रोज भी हुई थी, लेकिन उसके बाद वक्त मांगा गया था मियां शहबाज शरीफ की जानिब से, जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है उन्होंने डिमांड सामने रखी, वजारत उज़्मा का मुतालबा किया, तो उन्होंने जो अंदर की असल मतलब जो बातचीत हुई, जो डिमांड थी वो यही थी। इस पर उन्होंने वक्त मांगा था कि मैं मियां नवाज शरीफ जो है उनसे मशावरत के बाद आपके साथ बातचीत दोबारा की जाएगी, तो एक बार फिर आज मुलाकात होगी, अहम मुलाकात होगी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आला क्यादत के साथ मुलाकात होगी, और सारे मामला जो है इसमें तय किए जाएंगे, और इंशाल्लाह हम भी आपके साथ ये जो अहम खबरें हैं वो इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। और क्योंकि मेरी भी कोशिश होती है कि जो लेटेस्ट न्यूज है, क्योंकि आम इंतखाबात तो खत्म हो गए, अब उसके बाद जो सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, ये बड़ी अहम खबरें हैं कि अगला वजीर आजम कौन होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि दो ही नाम सामने आए हैं वजारत उज़्मा के लिए, दो ही नाम है, मियाँ शहबाज शरीफ है और बिलावल भुट्टो जरदारी है। तो बिलावल भुट्टो साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब, तो ये दो नाम वजारत उज़्मा के लिए सामने आ चुके हैं, और अब क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से नाम दिए गए वो वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ का नाम, और वज़ीरे आला पंजाब के लिए मरियम नवाज जो है उनका नाम सामने आया है। और बाकी अब देखें, क्योंकि आज बड़ी अहम मुलाकातें होने जा रही हैं, इंशाल्लाह रात को एक बार फिर हम ब्लॉग करेंगे और अहम मुलाकातों में क्या चीजें तय हुई हैं वो भी अपने नाजरीन को जो है उससे आगाह करेंगे। तो आखिर में आपसे जो है वो गुजारिश करता हूं कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो लेटेस्ट न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है, वो आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल वक्त के लिए इतना जी, मुझे इजाजत दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।